नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल केवल सिमिशन पे। आज मैं आपको ड्रीम सीज में एक प्रॉब्लम बताऊंगा। जब आप सिलाई करते हैं तो सिलाई में नीचे गुच्छे आते हैं, तो आपको ठीक करना बताऊंगा। ये देखिए, हम चला के देखते हैं। ये देखें, नीचे दानेदार सिलाई आ रही है, कई बार गुच्छे भी आते हैं, वो ठीक करना मैं आपको बताऊँगा। इसमें आप ध्यान दें, ये थ्रेड टेंशन होता है। कई बार ये नंबर आप ज़ीरो पे करके रख देते हैं, इसको हम मैक्सिमम फोर पे करके रखते हैं। मैक्सिमम नाइन तक जाता है, लेकिन इसमें आप चार या पांच पे रख के चला करते हैं, ये थ्रेड टेंशन होता है। तो हम सिलाई चला के देखेंगे, चेक करेंगे। ये देखें, ये सिलाई अब सही हो गई इसमें। और इसका और भी अदर रीज़न हो सकता है, जैसे कि आपने ये ठीक करके देख लिया, इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो ये आपको पार्ट खोलना होगा। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ किस तरह साफ करना है, आपको लगाना है। सबसे पहले ये वाला स्क्रू हम खोलेंगे। इसका स्क्रू खोलने के बाद इसको साइड से बॉक्स पर निकाल लेंगे। ये निकाल लेगा आपको अंदर ये दिखेगा। इसमें एक सबसे पहले आपको ये वाला नट खोलना है। ये स्क्रू खोलने के बाद आप एक अंदर नट देखेंगे, ये वाला, ये खोलना पड़ेगा। ये देखें, ये स्क्रू खोल लिया हमने, उसके अंदर वाला जो यहाँ पे था। इसको करने के बाद ये लूज़ हो जाएगा, आप देख रहे हैं। इसको ज़रा ध्यान से निकालें। साइड से करके ये इसी साइड से निकलेगा, ध्यान रहे। ये हमने पूरा पार्ट निकाल लिया। इसमें होता क्या है, जो आप ये थ्रेड टेंशन घुमाते हैं, इसके बीच में कई बार कचरा फंसा होता है। ये देखें, यहाँ से कचरे को साफ कर लें। अगर सिलाई आप यहाँ से टाइट करने के बाद भी ख़राब आ रही है, तो यहाँ से कचरा कई बार फंसा होता है, वो निकाल लें। क्लीन करने के बाद इसको दोबारा यहीं लगाना होगा। लगाने के लिए इसको नीचे डाउन करा और इस तरह से जाएगा ये, ये जो गैप देख रहे हैं इधर से। दोबारा आपने जो नट, एक अंदर जो नट लगाया था वो लगा दें, एक जो नीचे आपने जहाँ नट लगाया था वो लगा दें दोबारा। ये देखें, नट लगाने के बाद दोबारा ये बॉक्स लगा दें। ये लगाने के बाद पीछे इसका एक ये नट लगा दें। आज की वीडियो में इतना रहेगा। अगर कोई आपको मशीन के बारे में कुछ पूछना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप पूछ सकते हैं, या कुछ भी इसके पार्ट्स वगैरह आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। मशीन के बारे में आपको कुछ पूछना हो, कंपैरिजन करना हो किसी मशीन का, आप पूछ सकते हैं। और कुछ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।